कहेंगी आदरणीय प्रिया। नमस्कार, आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह, नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद, नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम, 46 किठोर में श्रीमती बबीता गुर्जर, 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी, 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक, 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल, 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित, 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर, 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा, 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल, एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा, मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया, करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती ऋतु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती वाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिलहौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमा कांति, ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में
श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और महनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी के का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी, उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपनी अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गईं, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा, सदफ जाफर ने NRCCA के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला, उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है, वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपका आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देखें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल है वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस यस। हम माखी के रहने वाले हैं, उन्नाव जिला के। हम रेप पीड़िता की माँ हूँ।
आओ, मेरे पति के साथ मारकूट किया था सर, हम घर से खींचते हुए मारते हुए ले गए सर, भी अपने नीम के पेड़ में बांध करके उनके बहुत तरह से मारा सर। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते, हमारे पापा तो चले गए। ये नौकरी का झांसा देखे सर, तो लड़की को मेरे फिर बात के किडनैप करा लिया सर। इस सरकार में हम लोगों को कहीं सुना नहीं गया। 17 जुलाई 2019 को वहाँ पे दिन में एक जगह जुटते हैं और जुटते ही कोई बात विचार नहीं हो पाता, इसके बावजूद तुरंत गोली मारना शुरू करते हैं। पांच छह लोगों की तुरंत वहाँ पे मौत हो गई। पे हमको भी लगा था यहाँ पर, तो हम तो बच गए। जैसे ही मैंने ये चीज़ कही है कि लिखित में मुझे आर्डर दिया जाए, तो वो तुरंत ही मेरे ऊपर से मारपीट होने, लात जूते घूसे, इतनी बर्बरता हुई है। उसके बाद बस में ले जाकर के मुझे इस तरीके से पीटा है जैसे जानवरों के साथ भी कोई सलूक नहीं करता है। निषाद समाज के लिए नाव एक पूजनीय चीज़ है। हमारे निषाद समाज के लोगों के साथ बसवार गांव में जिस प्रकार से उन पर बर्बरता हुई, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनकी नाव तोड़ दी गई। महिलाओं ने बताया कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको बर्बरता से मारा है, उनको पीटा, उनकी नावें तोड़ दी, जला दी। योगी आदित्यनाथ जी को लगता क्या है कि वो हम पे मुकदमे लगाएंगे, हमें जेल भेजेंगे, सरेआम चौराहों पे हमारी होर्डिंगें लटकाएंगे और हम डर जाएंगे? मुझे आशंका थी कि मैं नामांकन भरने जाऊंगी तो भाजपा के गुंडे मुझसे बदतमीजी करेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। चार चार तिरही पड़ी हैं सर, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी देवरानी भी ख़त्म हो गई, एक्सीडेंट करा के सिंगर ने ख़त्म करा दिया सर। हम बहुत सर मुसीबत झेल रहे हैं, इतनी मुसीबत सर कोई नहीं झेलेगा जितनी मुसीबत झेल रहे हैं सर। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं नहीं लड़ूंगी तो और कौन लड़ेगा? हम आप चुनाव लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगी। उनके लिए संघर्ष किया है और करती रहूंगी। आज सत्ता केवल डरता कांग्रेस पार्टी। न्याय मिलना चाहिए, हम लड़ेंगे, उनका हाथ रहेगा, मेरा जीत रहेगा। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया प्रियंका जी। एक नई आवाज, एक नए रास्ते, राजनीति में एक बिल्कुल नई शुरुआत, उन सब की आवाज बनना जिनकी आवाज कोई नहीं, और उनको आवाज देना। आपने ऑलरेडी अपने सवाल के लिए अलग अलग साथियों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं एक एक करके वो सवाल लूंगा। पहले पीटीआई से संजीव चोपड़ा जी। थैंक यू रणदीप जी। हेलो, यस संजीव, प्लीज गो अहेड, कैन यू स्पॉटलाइट हिम प्लीज। Put the spotlight on Priyanka, and she will take her question. Yeah. नमस्कार प्रियंका जी, आपने 125 प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी करी जिसमें 40% महिलाएं हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, काफी इसमें काफी महिलाएं जो हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, प्रोमिनेंट हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब इनको जो बाकी काफी तो हैं प्रोमिनेंट, लेकिन कई, लेकिन 160 आपने करनी है टोटल, 160 से ज्यादा जी, तो क्या इनको इनकी जीतने की क्षमता को देखते हुए ये इनको मतलब कॉन्टेस्ट में लाए हैं या प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में?
और एक और बात पूछना चाहता हूं दैट द पोल कॉन्टेस्ट इन द यूपी इन उत्तर प्रदेश इज इमर्जिंग एज यू नो वन बिटवीन द कांग्रेस बिटवीन द बीजेपी एंड द आरएलडी एसपी कंबाइंड. सो व्हाट रोल डू यू सी फॉर द कांग्रेस इन दीज पोल्स यू नो कंसिडरिंग दैट यू विल पुट अप कैंडिडेट्स इन ईच ऑफ द सीट्स व्हिच विल डिवाइड ऑपोजिशन वोट्स. थैंक यू. सो आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. एंड जो महिला प्रत्याशी हैं वह दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता. दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए. तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की. देखिए जो हम कर रहे हैं पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है. और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए. तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल. जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए द रोल वी सी फॉर ourselves इज टू pronged एक्चुअली. द फर्स्ट इज दैट वी एज अ पार्टी आर फाइटिंग इन अ स्टेट वेयर आवर पार्टी हैज नॉट बीन इन पावर फॉर द लास्ट 30 इयर्स. दैट मींस दैट व्हेन वी स्टार्टेड आवर वर्क 2.5 इयर्स अगो देयर वाज प्रैक्टिकली नो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड. सो वी वर्क्ड वेरी हार्ड टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ब्रिंग आवर पार्टी into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can. And we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government, which has the will of the people at its as its central focus. Today, the government in Uttar Pradesh is a dictatorial government, and instead of actually doing development work for the public, instead of advancing the issues of the public, the discussions in the election are completely skewed towards things which actually have nothing to do with development. And our focus in the Congress Party has been to bring issues into the discussion which actually matter to people. So for example, the women's issue, we have brought women in the center stage. We are talking about development consistently. And it is our hope that by doing this, we will be able to bring a different direction to the politics of UP. Thank you, Priyanka ji. Aur Sanjeev ji, ye yaad rakhiye ke विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो प्रियंका जी के नेतृत्व में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने निभाई है. वो सारे दल जो आज अपने आप को दावेदार मानते हैं वो सब गायब थे जब जनता के मुद्दे सामने थे. मैं अनुरोध करूंगा सिद्धार्थ जी से ANI न्यूज एजेंसी से कि वो अपना सवाल पूछे. सिद्धार्थ जी प्लीज अनम्यूट एंड कम. सर नमस्कार. मैम नमस्कार. मेरा सवाल मैम ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं, दो तीन दिनों से आया राम गया राम की राजनीति चल रही है. एक के बाद एक पार्टी आम नेता बदल रहे हैं. इस लिस्ट से जो आपने अलग अलग चेहरे अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आप लेके आई हैं उससे क्या साबित करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? और साथ ही ये कि कांग्रेस के लिए आपसे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में कांग्रेस के कई नेता वो भी पार्टी छोड़ के गए. हालिया में इमरान मसूद और आपके एक इमरान अख्तर विधायक जो हैं वो भी चले गए ये कहते हुए कि सपा एक मजबूत विकल्प है बीजेपी का. तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं इसके ऊपर? किसके बारे में कि ये लोग जा रहे हैं कि एग्जैक्टली किसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? सिद्धार्थ Siddharth, can you hear the question? I think. I'll just answer according to what I've understood. The question is,
देखिए, अपनी सूची से हम क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं, तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। थैंक यू मैम। आई विल गो टू आज तक, सुप्रिया भारद्वाज जी फ्रॉम आज तक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, द क्वेश्चन इज इन कनेक्शन विद उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स। आपने भी जो सबके नाम अनाउंस किए हैं, कितना डिफिकल्ट रहा प्रोसेस आपको कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने का, स्पेशली विमेन का? बिकॉज खबर ये आ रही थी कि सीट के ऊपर तीन तीन चार चार जो थे लोग कैंडिडेट्स ने, स्पेशली विमेन ने जो है अपना आपको रिक्वेस्ट भेजा था, तो ये प्रोसेस पूरा विमेन सिलेक्शन का कैसा डिफिकल्ट रहा, कितना रहा? एंड जब विनेबिलिटी की बात करते हैं तो संघर्ष आपने खुद ने कहा कि बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू आर अप अगेंस्ट द जायंट्स, अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आज के टाइम पे, और जितने आपके कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि आप आगे किस तरह इनके लिए कैंपेन प्लान करेंगे? एंड इसके साथ में एक सेकेंड जो क्वेश्चन है कैंपेन के से रिलेटेड है कि डिजिटल कैंपेन इस बार कांग्रेस जो है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे अब आगे बढ़ाने जा रही है? व्हाट आर द मेन की एलिमेंट्स इन द डिजिटल कैंपेन आल्सो? ओके, एक्चुअली इट वाजंट एज डिफिकल्ट एज वन माइट हैव थॉट इट वुड बी। वी हैड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम वुमेन इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी एंड मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन हु वर एक्चुअली ऑलरेडी डूइंग सम सोशल वर्क और डूइंग सम गुड वर्क इन द एरिया। सो इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट per se to get the applications of women because they were very forthcoming. And a lot of women really have had the desire to fight but never really given the opportunity on an equal basis. Because when I'm guessing that earlier if there were men and women, the natural choice was going to be for the man, whereas here we've upturned that a little bit. We are doing something new. Because we're doing something new, it's clear that a lot of these ladies will be fighting for the first time. They will need some handholding and some help. We are fully geared up for that. You asked about the social, sort of the new type of campaigning. It is actually going to be very interesting. We've thought about various different aspects of it. Now, seeing the COVID restrictions, for example, the door-to-door campaigning, which is allowed with 5 people, so we were thinking of in the next few days embarking on that very extensively. We already had quite an extensive door-to-door campaign. We'll be expanding that. We'll be doing Facebook Lives and a lot of social media interactions. Like earlier we were doing our Ladki Hoon marathons. We'll be doing competitions online and we will take that same energy online. I was doing women's town halls. We'll now be doing them on Facebook and Facebook Live and doing Google Hangouts and things. So I think actually it'll be quite interesting to see how this pans out. Thank you, ma'am. Let me go to ABP. Janinder ji from ABP, you have a question. Please come in. Janinder ji. Ji, ji, ji. प्रियंका जी नमस्ते, मेरे दो सवाल है मैम। एक सवाल तो ये है कि अभी फिलहाल यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं कि 80 और 20 की बात हो रही है, 80% 20% की बात हो रही है, अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है,
और ऐसे में अगर हम आपका कैंपेन देखते हैं तो आप महिलाओं के सशक्तिकरण और बेरोजगारी और किसानों की स्थिति को सेंटर में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो एक तो ये सवाल है कि आप इसको कैसे मुख्य एजेंडा बनाएंगी चुनाव का, और दूसरा सवाल मैम ये है कि अगर हम चुनावी वास्तविकता को देखें, तमाम सर्वे को देखें, तो सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और सपा के बीच दिख रही है। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ उस दिन रणदीप जी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस प्रभारी के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपका लक्ष्य है यूपी चुनाव को लेकर के, क्या आप भी इसी लक्ष्य के साथ चुनाव में उतर रही हैं कि यूपी में अगली सरकार जो बने उसमें कांग्रेस की भूमिका हो, कांग्रेस के बिना कोई सरकार ना बने। थैंक यू। हमारा जरूर ये एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारी पार्टी मजबूत बने। हमारा लक्ष्य ये भी है कि जो प्रत्याशी लड़े वो ज्यादातर जनता के मुद्दों पर लड़े। आपने कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमारा प्रयास, और हमने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है, हम एक नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे, हम एक सकारात्मक प्रचार का पूरा कैंपेन करेंगे। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बातें हों, भविष्य की बातें हों, विकास की बातें हों, महिला सशक्तिकरण की बात हो, जो अत्याचार है उनको रोकने की बात हो, दलितों को आगे बढ़ाने की बात हो। हम चाहते हैं कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का समाज है उसको एकता, एक समान दृष्टि से देखकर उनको आगे बढ़ाया जाए, जो प्रदेश की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए ताकि प्रदेश आगे बढ़े। देखिए, आप 80% और 20% की बात करते हैं, रोजगार जितने नौजवान यूपी में आज बेरोजगार हैं, उनका प्रतिशत क्यों नहीं गिना जा रहा है? क्या वो जरूरी नहीं है? क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या चुनाव में उनके रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? जितने नौजवान तमाम परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कई ऐसे नौजवान हैं जो दो दो तीन तीन बार परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, वो कट ऑफ चेंज हो जाता है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जब चुनाव है तो चुनाव का मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी जनता के लिए कर क्या रही है और आगे भविष्य में करना क्या चाहती है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा ठोस विचार है कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों को आगे लाना चाहिए। आपने कहा कि हम महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश है, ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी कोशिश की सफलता आप देखें पिछले 2-3 हफ्तों में, तो मोदी जी ने अपनी पहली पूरी महिलाओं की रैली करनी पड़ी, उन्हें योगी जी को महिलाओं के लिए घोषणा देनी पड़ी, अखिलेश जी अपने घोषणाएं दे रहे हैं महिलाओं के लिए, यहां तक कि RLD ने भी घोषणा की है महिलाओं के लिए अलग, और मायावती जी भी हाल में ही एक बड़ी महिलाओं की रैली करने जा रही थी जब कोरोना की ये लहर आई। तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ला चुके हैं महिलाओं को सामने, डिस्कशन में ला चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकता, मैं समझती हूँ कि एक सफलता है। और इसी तरह से हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिनको हम सेंटर स्टेज पे लाएं ताकि कोई भी राजनीतिक दल हो उनको नकार नहीं पाएगा। कौन से मुद्दे हैं ये? जैसे मैंने कहा, मुख्य रूप से विकास के मुद्दे हैं। सेहत के लिए क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा, रोजगार के लिए क्या किया जाएगा, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा, ये मुद्दे हैं। और हम एकमात्र फोकस हमारा इन मुद्दों पर रहेगा। थैंक यू मैम। आई एम गोइंग टू गो टू विक्रांत नाउ। Vikrant from TV9, please come in. जी प्रियंका जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आप राजनीति में आ गई, आपने कहा कि तमाम संघर्ष करने वाली महिलाओं को आपने टिकट दे दिया है, तो क्या आप भी यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? और अगर नहीं लड़ेंगी तो अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश के लिए आपने अपने लिए क्या लक्ष्य तय कर रखे हैं? आपकी अपनी राजनीति किधर जाएगी आगे? देखिए, जो मैंने यूपी में शुरू किया है मैं उसको मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। इस चुनाव के बाद भी यूपी में ही रहूंगी और यूपी में ही मैं कार्य करती रहूंगी। बाकी अगर मेरी पार्टी मुझे कहे कि कहीं और भी चाहते हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाऊं, वो भी मैं करूंगी, जैसे मैंने हमेशा किया है।
तो मेरा प्रयास यही है कि मैं यूपी की में जो अपनी पार्टी है उसको मजबूत करके आगे बढ़ाऊं, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको ही उठाते हुए एक नई राजनीति बने। थैंक यू मैम। मे आई जस्ट गो टू संदीप बालाजी, यू डोंट हैव टू हैव 40% फॉर वुमेन इन दीस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। Yes, we will make sure, ma'am. I'll try and do that actually, because there was another delegation of the Election Commission. So I'll very quickly try and wind up also. Sandeep ji from the Hindu, and we'll keep that in mind always now. Sandeep, can you hear us? I think he's not here. So Raman from News 24, ma'am. Raman ji, News 24 se, he's been raising his hand for, he was the first one to raise his hand. Raman, can you hear us? Sandeep is here. He's raising his hand. Can you please unmute Sandeep? He's here. Sandeep Phukan from the Hindu. Unmuted, but he's not speaking. No, he's not unmuted. Please unmute him. He's waiting to ask the question. Yes. Sandeep, you are unmuted now. Go ahead. Sandeep Phukan from the Hindu. Go ahead, please. No, we cannot hear you. Connection issue. Okay. Do we have... Can you just write his message and his question in the chat? Yes, we'll do that. Can we have Anjali Ojha from UNI? She has been waiting. Anjali, please go in. Please unmute Anjali. Hi, ma'am. Ma'am, you just talked about the way the issues that are being raised in UP politics and how Congress is trying to bring it back to issues that matter. We've seen a lot happening in the elections. Election Commission has also expressed concerns about speech, and of course, the 80-20 comment that has come from the Uttar Pradesh Chief Minister. In the light of all this, ma'am, how do you think that there will be a positive impact of the campaign that Congress is running or the issues that are being raised in the elections? And in case in a post-election scenario, there's a requirement to extend support to other political opposition parties to throw the BJP government out, would the Congress be considering that as well? Are you saying after the elections are over? After the yes, of course, why not? Why not? There's absolutely no question. Why should we not? And your other question about a positive sort of campaign. Look, somebody has to start talking about the right things. And I feel very strongly that we have to steer the politics, not just of Uttar Pradesh, but of the country in a more positive and constructive direction. We have to be talking about issues of development, education, health. Look at our health expenditure. In the times of Corona, look at the amount we're spending on education. What are we doing to provide a stronger foundation of education at the primary level, secondary level, at the university level for students? What have we done for employment? Why is our unemployment rate so high? So these are questions, I think, which we have to start bringing front of stage. And it is not an easy task. It's much easier to mobilize people on hate and negativity. It is much, much tougher to mobilize people on a positive agenda. But I think if we don't start, it's never going to happen. So if we take a beating for starting in the beginning, but we keep carrying on and we continue to work hard on it, I'm sure it will have an effect. And I know that there are so many young people I meet. In my work in UP, I meet university students all the time, students who are trying to get jobs also, you know, young people who are trying to start their own businesses. And they're really looking for a politics that is answering their questions and that is showing them a way forward for a strong future. So I think there is definitely an energy there. And I think that there is definitely a need, both in the state and in our country,
to have a more positive and constructive dialogue and discussion in politics. And I'm happy to be part of it. Thank you, ma'am. Sandeep has sent his question. If you permit me, I'll read it because he has some connection issue. His question is the Congress trying to build an entirely new constituency of women voters like Nitish Kumar did in Bihar? That's from the Hindu. The way I see it, we are just mobilizing women to stand up for themselves and ask for what is rightfully theirs and to participate in the political process with the energy and the strength and the capacity that they actually have. So I don't see this as creating a new vote bank of young women. I see it as empowering women to ask for their right and to stand up for themselves. And I see it, frankly, as their right. They are 50% of the population. It is absolutely their right to participate fully in politics. Well, ma'am, there are close to 60, 70 more friends who are waiting to ask questions, and I'm sure कि कभी और एक और मौका होगा जब लल्लू जी मोना जी आपके साथ और सवालों का जवाब यूपी में सुप्रिया जी के साथ आप और दे पाएंगी। आपकी अनुमति से मैं सब साथियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं वाइंड अप करने की इजाजत चाहूंगा। मुझे पता है कि आपका अगला कार्यक्रम है और एक इलेक्शन कमीशन को डेलीगेशन भी जाना है। बहुत बहुत आपका प्रियंका जी शुक्रिया, लल्लू जी का, मोना जी का और सब साथियों का और सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।